उन्नाव केस के बाद भाजपा सरकार के विरोध में उतरे राजनीतिक दल। जी हां, उत्तर प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक पार्टियां भाजपा की योगी सरकार के विरोध में मैदान में आ गई हैं और सीएम योगी के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। इसी क्रम में जनपद बांदा के जिला मुख्यालय पर जिला महिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को चूड़ियां भेजी गई। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी व अन्य पार्टियां भी उन्नाव केस के बाद मैदान में उतर आई हैं और इस केस के द्वारा अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश कर रही हैं। बांदा से हमारे संवाददाता बालकृष्ण। आज किस तरह का ज्ञापन दे रही हैं आप? आज हम लोग मुख्यमंत्री जी को चूड़ियां भेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये जंगल राज बन गया है यूपी। यहाँ महिलाओं की बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। आए दिन रोज अखबार खोल के देखिए तो एक महिला के साथ रेप या बलात्कार या हत्या की जाती है। ये बहुत घिनौना काम कर रही है सरकार। वो सरकार नहीं संभाल पा रही तो वो अपना इस्तीफा दे अपने पद से और चूड़ियां पहन के घर बैठ जाए। हम महिलाओं के हाथ में शासन दे दे, फिर देखें कि हम लोग पुरुष के साथ क्या कर सकते हैं। आज भाई साहब किस तरह का ज्ञापन दे रहे हैं आप? आज ये महिला जिला कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जिलाधिकारी के माध्यम से चूड़ियां भेंट की जा रही हैं। इस सरकार में हमारी माताएं, बहनें, बहुएं, बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। घर से निकलती हैं, कोई निश्चित नहीं कब वापस घर में सुरक्षित आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। ये सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था इस सरकार में फेल है और इसको योगी जी को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि इस्तीफा दे दें और जो इनका काम है पूजा पाठ का वो काम करें जी। आज जो नाव केस में हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस पीड़िता को यहाँ तक उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसको जला के मारने का काम किया और ये गूंगी बहरी सरकार कानों में तेल डाले हुए उसको देख रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो इतना अत्याचार बढ़ चुका है, गुंडागर्दी बढ़ चुकी है, उन्नाव में बेटी को किसी तरह से न्याय नहीं देने का काम किया और जला के मारने का काम किया, उनको संरक्षण देने का काम कर रही है ये योगी की सरकार। हम उसके विरोध में और पीड़िता के पक्ष में आज यहाँ अशोक लाट पर यहाँ पर धरना देने का काम किए हैं और यदि उसको न्याय नहीं दिया जाता है और किसी तरीके से उत्पीड़न के घर वालों को धमकी दी जा रही है और अगर ये न्याय नहीं मतलब उत्पीड़न नहीं रुक रहा है तो समाजवादी पार्टी रोडों पे आकर के इसका प्रदर्शन करेगी और इसका भरपूर विरोध करेगी। और हम आज ये धरना दे करके ये बताना चाहते हैं इस सरकार को कि ये इस तत्काल उसके उसके उसको न्याय दिलाया जाए। और यहाँ पर आज हमारे सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी वो भी धरने पे बैठ गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग आज धरना प्रदर्शन देने का वो धरना देने का काम कर रहे हैं। इसी संबंध में हम यहाँ पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है सरकार। अपराधियों पे सरकार का संरक्षण है, बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं, सरकार पूरी तरह कानून व्यवस्था पे लेके फेल है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कहते थे जंगल राज है, जंगल राज है। आज ये बुरी हालत है प्रदेश की कि लोग प्रदेश से पलायन कर रहे हैं, बहन बेटियाँ सुरक्षित रही हैं। उन्नाव में देखे कि दिन दहाड़े बयान देने बिटिया जा रही थी उसको जिंदा जला दिया। कल उसकी रात की मृत्यु हो गई। उसी के उपलक्ष्य में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम सब लोग धरना दे रहे हैं। अब कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो है। आज से डेढ़ साल पहले भाजपा के विधायक ने कुलदीप सिंगन ने रेप किया था। रेप करने के बाद पूरे देश का बच्चा इस बात को जानता था कि उन्नाव के एक विधायक ने इस काम को अंजाम दिया है। काश उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुलदीप सिंगर के खिलाफ कार्रवाई कर दिए होते। अगर उसका भी इनकाउंटर कर दिया जाता, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई होती, उसे भी फांसी की सजा दे दी गई होती, तो आज जिस तरीके से उन्नाव के अंदर एक मासूम बच्चे के साथ बलात्कार किया जाता है, उसके साथ फिर उसे जिंदा जला दिया जाता है, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश अफसोस कर रहा है और हम ये मांग करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से और खास तौर पर इस देश के
राष्ट्रपति से कि जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर चार दरिंदों को इनकाउंटर कर दिया गया है, इसी तरीके से आप भी इन दरिंदों के साथ यही काम अंजाम दीजिए। अगर आप इस काम को अंजाम नहीं देते हैं तो ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है, उत्तर प्रदेश की जनता रोड पर आने को मजबूर होगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर क्या आपके विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कानून नाम की कोई भी चीज नहीं है। मैं इस बात को बार बार कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर सिर्फ जो कानून है वो सिर्फ गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है, किसानों के लिए है, बेरोजगार नौजवानों के लिए है, न तो यहां के नेताओं के लिए है, न बिजनेसमैन के लिए है, और न बड़े पैसे वालों के लिए है, और न कोई भी ISIPS के लिए है।